अनियंत्रित ट्रक के रौंदने से आज एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने पहले ट्रक में तोड़फोड़ किया, उसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 की गाड़ी को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर नाजुक स्थिति को देखते हुए कई थाने की फोर्स बुलानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का तरकुलवा थाना क्षेत्र का सोनहुला रामनगर, जहां आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्कूल जाते समय कक्षा 9 के छात्र अनियंत्रित ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना स्कूल पर मिली तो वहां के छात्र भी मौके पर आ गए और ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया, जिससे देवरिया कसिया मार्ग जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस घटना में 2 छात्र और घायल हो गए थे। तभी मौके पर डायल 100 की गाड़ी पहुंची, लेकिन गुस्साए छात्रों ने डायल 100 की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दिया। मौके पर नाजुक स्थिति को देखते हुए कई थाने की फोर्स पहुंच गई। वहां पहुंचे SDM ने लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान लगभग 3 घंटे सड़क जाम रहा। इस बात पर अपर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि आज सवेरे देवरिया से कस्या की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, जिससे छात्र की उसकी टक्कर हो गई, जिसमें छात्र की मौत हो गई। ट्रक का ड्राइवर फरार है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं डायल 100 की क्षतिग्रस्त कर दी गई है। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग करीब 7 बजे के आसपास की बात है, ये देवरिया से कसिया की तरफ एक ट्रक आ रहा था और उसी में सवेरे 7 बजे स्कूल का समय था, तो नवतपती स्कूल है यहाँ पर तरकुलवा थाना क्षेत्र में। इसका एक बच्चा साइकिल से जा रहा था, ट्रक से उसकी टक्कर हो गई, ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। तो सब प्रशासन के लोग आ गए, हम लोग आ गए, DIOS वगैरह और स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह सब ने बच्चों को समझा बुझा के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है और उसमें ट्रक वाले के खिलाफ FIR लिख करके कार्रवाई की जा रही है। ट्रक बरामद हो गया है, ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। 100 नंबर गाड़ी को तोड़फोड़ किया? हाँ, ये चूँकि बच्चों का मामला था, सवेरे का समय था, तो जैसी सूचना मिली तुरंत 100 नंबर की गाड़ी पहुँच गई थी और चूँकि आबादी क्षेत्र था, गाँव के बीच रोड पर गाँव के पास की घटना थी, कुछ लोग आ गए थे, तो उन्होंने 100 नंबर के लोगों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद किया, उसमें एक शीशा भी उसका चटक गया है, तो वो बाद का विषय है, वो उसको देखा जाएगा अलग से। अभी जाम की स्थिति क्या है? अब तो जाम नहीं है, वो तो समझा बुझा के सांकेतिक रूप से लड़कों ने एक अपनी बात रखने के लिए बात थोड़ी देर के लिए रोका गया था और उसके बाद समझा बुझा के सब बच्चे स्कूल चले गए हैं और जनजीवन सामान्य है। धन्यवाद।